छिंदवाड़ा में कांग्रेस बीजेपी नेताओं के बीच जमकर चले लात घुसे, मची अफरा तफरी। जी हां, आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में भाजपा कांग्रेस के बड़े नेताओं में मंच पर तीखी बहस हो गई। और वही इस हंगामे में जनपद पंचायत अध्यक्ष ने भाजपा जिला अध्यक्ष को मारने के लिए अपनी जूते फेंकने लगे और वहां मौजूद पुलिस और लोगों ने बीच बचाव किया। ये पूरा विवाद कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ। जी आपको बताते चले कि दरअसल पूरा मामला ये छिंदवाड़ा जिले के परसिया विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झूरे में विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम आयोजन था। इस कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू एवं कांग्रेस से विधायक सोहन लाल वाल्मीकि और परासिया जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी सहित जनता मौजूद थी। कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और जब कार्यक्रम को संबोधित करने के लिए भाजपा जिला अध्यक्ष बंटी साहू का नाम पुकारा गया, उसके बाद भाजपा जिला अध्यक्ष ने मंच से केंद्र व राज्य सरकार की योजनाएं और कांग्रेस की नाकामी के बारे में बोलना शुरू कर दिया। मंच पर बैठे कांग्रेस के विधायक सोहन लाल वाल्मीकि इससे नाराज हो गए और इसी बीच दोनों की मंच पर तीखी बहस होने लगी। और देखते ही देखते जनपद पंचायत अध्यक्ष आशा आम्रवंशी इतनी उग्र हो गई कि उन्होंने मंच पर खड़े भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को मारने के लिए उन पर जूता फेंक दिया। वहां मौजूद पुलिस और मौजूद लोगों ने बीच बचाव कर मामला शांत किया, लेकिन भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू अपने समर्थकों के साथ शिवपुरी थाना पहुंचे और विधायक सोहन लाल वाल्मीकि जनपद अध्यक्ष आशा आम्रवंशी के खिलाफ मामला दर्ज कराने की मांग करने लगे। थाने पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों पक्षों के तमाम नेता मौजूद थे। बीजेपी नेताओं द्वारा कांग्रेस विधायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग लगातार की जा रही है, लेकिन अभी तक पुलिस ने किसी भी पक्ष के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की है। फिलहाल इन सभी मामलों में आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।